हमें तो यही आशा है कि अगर मौसम इसी तरह अनुकूल रहेगा तो हम कोशिश करेंगे ये 3 से 4 दिन में आइस स्केटिंग का शुरुआत कर दी जाएगी। बर्फ़ जमाने का काम शुरू किया गया है, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या क्या है? हमारी तरफ से तो तैयारियां हो चुकी है, बस अब तो हम ये सोच रहे हैं कि तापमान में थोड़ी सी गिरावट और आ जाए तो कि इससे क्या होगा कि जल्दी आइस जमना शुरू हो जाएगी और इसका जो जितनी हमारी इसकी कंडीशनिंग होगी, जितनी ज़्यादा कंडीशनिंग होगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा बच्चों के लिए। यानी अगर 3 दिन बाद शुरू होता है तो रजिस्ट्रेशन और प्रोसेस कब से शुरू होगा, फिर उसी के बाद होगा? हाँ, डे वन से जैसे ही स्केटिंग शुरू होगी तो इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी। मान लो कि अगर स्केटिंग 3rd और 4th दिन होगी तो सुबह मॉर्निंग 8 से लेकर 10 बजे इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। जिस जो आइस स्केटिंग रिंक है ये हमारा 100 साल से ऊपर हो गए हैं, इसे अभी हमने अपना 2020 में इसके 100 साल पूरे किए हैं। और दूसरा ये है कि जो बच्चों के और उनके पेरेंट्स के हमें फ़ोन भी आ रहे हैं कि हमें कब से शुरू कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कब से शुरू कर रहे हैं, आइस स्केटिंग के लिए हम बच्चों को कब से भेजें, क्योंकि आपको पता ही होगा कि सर्दियों का में शिमला में यही एक स्पोर्ट है जो बच्चों के लिए चलता है और बच्चे इसमें 1-1.5 महीना जो भी हमारा होता है तो उसमें बड़ा इंजॉय करते हैं आके, क्योंकि पेपर से फ्री हो जाते हैं अपने, उनका कोई टेंशन नहीं रहती बच्चों को उसके बाद कोई। संदीप जी, हमारी तरफ से तैयारियाँ पूरी हैं, हम तो चाहेंगे कि हम जिमखाना भी करें और जितनी भी हमारे स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हम यहाँ करते हैं आइस स्केटिंग में वो हम सारी करें, लेकिन डिपेंड करता है वही कि आपकी वाली बात कि हमारा अपना टेम्परेचर हमारे को कितना टाइम देता है हमारा। एक सौंदर्यकरण की भी ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।